हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू इंडियन एरा एंड दिस इज सेजल दुबे हियर। जैसा कि आप लोग जानते होगे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। सो हाय प्रिंस, हाउ आर यू? सबसे पहले तुम्हारे दर्शन हो गए। वॉइस आ रहा ना भाई? वॉइस आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? ओके। हाय रोहन, कैसे हो? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, तो अभी 5 दिन तो हो ही गया होगा। 2 साल हो गए दीदी, ऐसा क्यों बोल रही? हाँ, सबको बुला कर लाओ। भंडारा है ना, कि मैं सबको बुला कर लाता हूँ। आज आपण मराठीमध्ये शिकूया। आता पोषण झाला, ठीक आहे? आता पोषण झाला मला आणि आपण मराठीमध्ये शिकूया, ठीक आहे? आ जाओ भाई, सब लोग प्लीज 5 मिनट में आ जाओ, ठीक है? हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 2 घंटे तक लेक्चर चलने वाला है। आज कैसे भी करके हमारा पोषण कंप्लीट होना चाहिए, ओके? हाँ, मराठी मध्ये। हाँ ठीक है, हाय पूजा, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? मराठी बुक कदा हिस्ट्री चा? हाँ काढ़ा, अच्छा। काढ़ा तो अभी मैंने नहीं पिया है, बाद में पी के रहूंगी काढ़ा, फिर सिखाऊंगी। ओके ठीक है, जस्ट जोक कर रही थी, ठीक है। मी पण बरी आहे, ऐसे ही बोलते हैं ना, बरी ही बोलते हैं ना। हाय रूपाली, कशी आहे तुम्ही? ओके, सो कैन वी स्टार्ट? मस्त, वेरी गुड। मराठी में बोलो, डोंट यूज हिंदी, ठीक है? सो आज आपण मराठी मध्ये शिकूया। काय शिकवणार आहे? हिस्ट्रीचा चॅप्टर, सेकंड चॅप्टर, ठीक आहे? आज आपण दुसरा चॅप्टर हिस्ट्रीचा, इतिहासचा दुसरा चॅप्टर मी शिकवणार आहे आता। थँक यू पूजा, डोंट यूज इंग्लिश। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, हेलो गौरव। तो आता मी स्टार्ट करू, लवकर तुम्ही जॉइन होवा। आता मी स्टार्ट करते, ठीक आहे? आणि चॅट वॅट नंतर करा, मी लवकर शिकवणार आहे आणि तुम्ही पण ध्यान द्या लेक्चर मध्ये। क्या लक्की, क्या बोल रहे हो तुम? मैम मुंह से सुपरी निकाल कर बात करो, मतलब कुछ भी, सुपारी मेरे मुंह में है भगवान, कुछ भी, मतलब लाइव लेक्चर में आप लोग कुछ भी बोलते हो। हाँ लक्की, हाँ वही, मैंने सुपारी खाई हुई है, कुछ भी। मतलब मैम लोग को भी नहीं छोड़ते आप लोग? हाँ सर मैम, किसी को छोड़ना नहीं है। बाबूराव का स्टाइल है मैम, 150 रुपए लूंगी। हाँ 150 रुपए लूंगा ऐसे। आता तुम्ही काय पण बोलतोय, मला शिकवा, त्या शिकवण्यामध्ये ध्यान दो, ठीक आहे? नाउ जोक्स अपार्ट,
So welcome everybody to New Indian Era, and today I'm going to take your second chapter of history, that is historiography and Indian tradition. ठीक है, हम लोग ने आज तक सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिए, सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो गए, एंड इवन ज्योग्राफी वी हैव कंप्लीटेड. एंड ऑल्सो आई हैव गिवन ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी. सो आई होप वो आपके काम आते होंगे, आपके प्रीलिम्स में, आपके क्लासेस में, एवरीवेयर. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, एंड हमें आज कंप्लीट करना है कैसे भी. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन हियर गाइस. सो भावेश, कार्ल मार्क्स थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स इन एग्जाम, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्ल मार्क्स थियोरी में हमने क्या पढ़ा था, जो भी देखो हमारे स्कॉलर्स वगैरह थे, उन्होंने अपने तरीके से हिस्टोग्राफी को लिखा हुआ था. ठीक है, उन्होंने क्या क्या चेंजेस भी ला सकते थे वो भी हिस्टोग्राफी में बताया था. तो कार्ल मार्क्स थियोरी को आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ लोगे एंड पॉइंट वाइज अगर 5-6 पॉइंट्स में उसको बना लोगे, तो कार्ल मार्क्स थियोरी वो एग्जाम में आता ही आता है. मतलब बहुत ऐसे कम चांसेस होते हैं कि वो ना आए, बट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आता ही आता है. ठीक है, तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है और आपके जो भी हिस्ट्री के जो पैराग्राफ्स और वो जो कॉलम्स वगैरह है उसको प्लीज़ अच्छे से करके जाना. नहीं, मैं ये फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ये सेकेंड चैप्टर है. मैंने क्या किया था, मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फिर मैंने अलग अलग लेसन्स के चैप्टर पढ़ाए, लेकिन पहले फिफ्थ पढ़ा दिया, सिक्स पढ़ा दिया, सेवन पढ़ा दिया, अब ये लास्ट बचा है. ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर मैं फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा बच्चा हुआ था वो पढ़ा रही हूँ. गौरव, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, मुझे सच में मराठी नहीं आती है. मैंने आपके सामने जितना मैंने बोला है ना उतना ही आएगा, बट अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब मराठी में बोलूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा. ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन मैं मराठी सीखूँ. ठीक है, मैं आप लोग को हिंदी में सिखा दूंगी, डोंट वरी. बट हाँ, आप लोग के जो मराठी के भी क्वेश्चंस है वो भी जो इम्पोर्टेंट मैंने दिए हैं उससे आप रिलेट करके वो पढ़ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन. हमने हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट पढ़ा था. हिस्टोग्राफी क्या होता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोग्राफी, एंड जो हिस्टोग्राफी को लिखता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस. तो मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को मिला के विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आता है. ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए आ गया और आपका फर्स्ट चैप्टर 3 मार्क्स के लिए आ गया. समझ में आ रहा है? आई एम सॉरी गाइज, आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन मराठी. और ये इंग्लिश में है तो जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए. आप देखो, अगर बोलोगे मुझे हिंदी नहीं आ रही है, मराठी नहीं आ रही है, या फिर इंग्लिश में मुझे नहीं पढ़ना है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि 10th के बाद आपके सारे जितने चैप्टर्स हैं वो आपको इंग्लिश में बदलने वाले हैं, मराठी में कुछ भी नहीं रहने वाला है. तो आप अभी से प्लीज़ ट्राई कीजिए. एंड अगर आपको मराठी में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, आप वो तो समझ सकते हो. चलिए ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हाँ, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगी. ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी. ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, जो हमारे रिवाज होते हैं. इंडियन हिस्टोग्राफी भारत के जो भी इतिहास है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं,
जो रीति रिवाज है भारत की वो हम आज पढ़ने वाले हैं, उनका क्या ट्रेडिशन होता था। ठीक है, इतना तो हिंदी में इतना होता अच्छे से बोल पा रही हूँ मैं। एंड ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे है ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है तो मुझे दोनों में ये करना पड़ेगा। चलो, वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी इन द लास्ट लेसन। अभी देखो जो पहले का चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेस्टर्न हिस्टोग्राफी पढ़ा था। ठीक है, जो वेस्टर्न चीजें होती हैं कैसे होती है सारी चीजें, ठीक है, जो भी उनके रीति रिवाज थे, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। बट टुडे हम लोग आज इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, भारत के ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। सो या लेसन मध्ये आपण शिकूया, काय शिकूया, भारतचा ऐतिहासिक मध्ये काय होते है, काय होणार आहे, सर्व चीजें या लेसन मध्ये आपण शिकूया। ठीक है, तो मैं थोड़ी बहुत मराठी बोलूंगी, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं पूरी मराठी में सिखाऊं। बस आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा बहुत मराठी में बोल रही हूँ। एंड अगर मैं मराठी गलत भी बोलूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये किसी की लैंग्वेज है। एंड अगर मुझे सच में नहीं आती है तो अगर मैं उल्टा भी बोल दूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे सिखा रही हूँ। मैम, आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो आपने कहाँ से दिए हैं, क्यों कुछ डाउट है क्या उसमें, ठीक ठाक नहीं है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया। रोहित, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ रोहित, ये आप क्यों पूछ रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, आज लास्ट सेशन है। देखो यहाँ पे हिस्टोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड। हाँ यूसुफ, हाँ समझ में आ गया आप यूसुफ हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हिस्टोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी हिस्टोग्राफी थे एंशियंट पीरियड में, ठीक है, जो पहले के जमाने में ज्या जमानत मधे काय होता काय होते इंडियन, मतलब जो भी भारत में जो भी होता था वो सारी चीज़ें कैसे होती थी वो हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया मेमरीज ऑफ द हाँ, अगर आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने मेरे क्वेश्चंस और आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड आपने क्लासेस के क्वेश्चन को कंपेयर करना, ठीक है, तो आप देख लेना जरा, आ जाएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। देखो, डीड्स ऑफ एंसेस्टर एंड माइथोलॉजिकल लोर ऑल्सो मेमरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वेयर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रेसाइटल्स। अभी यहाँ पे देखो जो एंशियंट पीरियड में क्या होता था कि लाइक देखो यहाँ पे क्या बताया, जो ग्रेट डीड्स, जो अच्छे कर्म होते थे, जो हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज, ठीक है, जो हमारा पूर्वज जो अच्छे कर्म करते थे, ठीक है, उनमें सारी चीज़ें क्या क्वालिटीज होती थी। अभी देखो जो हमारे दादाजी के ज़माने से चलता आ रहा है वो हम वो ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो रहा है, हम चेंज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो आप ना उसको रिलेट करना एंड आपको पता चला कि मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो आपके एग्जाम और प्रीलिम्स में आए थे क्लासेस के या कॉलेजेस के। कैन यू प्लीज टेल मी रोहित, अगर नहीं आए थे तो वो भी बताना एंड आए होंगे तो वो भी बताना, सच बोलना। ठीक है, सो यहाँ पे देखो द इंस्क्रिप्शंस, The inscriptions of the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early of the 3rd millennium BCE
or perhaps before that. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. अभी यहाँ पे देखो वो लोग ने क्या बोला है कि जो भी इंडियन, अभी मैंने जैसे बताया था आपको हरप्पन सिविलाइजेशन में जो भी इंस्क्रिप्टेड होता था, ऑलरेडी मैंने बोला था, वो देखो जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स के ऊपर वो लोग ने अपनी ही पेंटिंग, अपनी ही कार्विंग करके रखते थे, ठीक है. तो उस चीज़ से हमको समझ में आता था कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है. तो वो सक्सेसफुली था, बट जाने आने में क्या हो गया यहाँ पे. तो हाउएवर दैट हरप्पन स्क्रिप्ट, जो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक सक्सेसफुली नहीं हुए हैं. From where I can get important question. So देखो यहाँ पे अगर आप search करोगे history important question of this channel NI school, ठीक है, तो मैंने already वहाँ पे आपको important questions दिए हुए हैं history and political science के भावेश, ठीक है, and geography के भी मैंने दिए हुए हैं. अगर आप मेरा last chapter, ninth chapter पढ़ोगे ना geography का, that is ninth chapter, that is tourism, transport and communication, उसके मैंने लास्ट में आपको ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो. भावेश, समझ में आ रहा है? सो देखो द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट, देखो जो मैंने हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इंग्लिश वाले को, वही सेम क्वेश्चंस आप मराठी में भी टिक कर सकते हो. जो इंग्लिश में दी होती है ना, वही सेम चीज, सेम क्वेश्चन आपको जिस मराठी में दिया हुआ होता है, तो जो मैंने जो क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश के लिए दिया है, वही आप मराठी में भी देख के टिक कर लो, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Of historical nature found in India are in the form of inscription. They are dated to the 3rd century BCE. That is Emperor Ashoka Maurya's times. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. अभी देखो हमने बहुत सारे, आप जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था जो अजंता केव्स वगैरह है, अगर आप वहाँ पे जाते हो, ठीक है, अगर अजंता केव्स वगैरह अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पे मतलब ऐसे मूर्ति बनी हुई है, अलग अलग ऐसे वॉल्स के अंदर मूर्ति बनी हुई है, उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है, साइज देके, शेप देके, उसको कार्विंग किया हुआ है. आपने देखा होगा मूर्तिकार लोग ऐसे ऐसे ठोक ठोक के उनका साइज शेप देते हैं, ऐसे मतलब ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं, उनका कार्विंग करते हैं, ठीक है. एक स्टोन होता है, उसको पत्थर से या फिर किसी चीज़ से उसको डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हुई है. From the 1st century CE, inscription began to occur on coins, metal images and sculpture and also on copper plates. They provide important historical information. अभी यहाँ पे देखो 1st century से ही ये सारी चीज़ें start हो गई थी. आप अगर एक coin देख लो, अगर जो अभी का भी coin लगा है, या फिर देखो जो 2002 के 2000 के coins होते थे, उसके पहले तो हमको 2 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन फर्स्ट हेड पे दिखाई देता है, जो भी हेड टेल होता है, ठीक है. और पीछे साइड देखो, यहाँ पे पीछे साइड वो डिज़ाइन होता है, ये भारत का मैप है, फिर यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री छपे हुए हैं, या फिर जो पिछले जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पीछे ऐसे दिए हुए रहते. तो देखो मेटल पे क्या है, वो कार्विंग की गई है. आप अगर देखोगे कॉइन्स को भी, तो कॉइन के पीछे भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का होगा, नहीं तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी का वहाँ पे फोटो होगा, तो वो उसको वो क्या कर, कार्विंग करते हैं वो लोग, ठीक है. We get to know about the dates of various kings, dynastic, genealogies, charitable extent. अभी देखो आज हम history पढ़ रहे हैं, तो history के कारण ही हमको पता चल रहा है कि मौर्य empire कैसा था, अशोका empire कैसा था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी कैसे थे, कौन से डायनेस्टी से थे, उनका कितना फोर्ट था, उन्होंने कौन सी लड़ाई की थी, कब उनका जन्म हुआ था, कब उनका मरण हुआ था, सारी चीज़ें हमने देखो. हम अगर बॉर्न हुए थे तो हमको पता था क्या शिवाजी कौन है, शिवाजी महाराज कौन है, फिर उसके बाद ये कौन है, वो कौन है, कुछ हमें पता नहीं था. बट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो कि सही में हम क्या थे, पहले गुलाम थे
और फिर हमको इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने लिए लड़ाई की थी हमारे देश के लिए, फिर हमको जाके फ्रीडम मिला था, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। तो हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको हमारे भारत में क्या ऐतिहासिक चल रहा है आज तक, लोगों को तो ये भी कभी अगर किसी से पूछो तो ये भी नहीं पता चलता कि आजकल का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, स्पीकर कौन है, ये सारे चीज़ें लोगों को नहीं पता रहता है। बट इंस्टा पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, यूट्यूब पे क्या है, सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, होता है ना। बट ये जो हमारा है, ये हम इंडिया में रह रहे हैं, हमको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आजकल क्रिकेट्स आते हैं, कल देखो, कल इंडिया जो अंडर 19 जो भी लेडीज़ हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता T20 का, तो उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, यही सारी चीज़ें देखो, बट दिन भर 24 घंटे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ता होगा, है ना। तो कभी कभी पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी का नॉलेज रहना ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टा रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं, बट जो आपके लिए अच्छा है ना वो चीज़ करो, ठीक है। अगर आप लोग बोल रहे हो मराठी में सिखाओ, हिंदी में सिखाओ, इंग्लिश में, जो भी, वॉट एवर, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर मैं मैम इंग्लिश में पढ़ा रही है, हिंदी में भी पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो आगे चल के मुझे कैसे काम आने वाला है। आपने 10th तक सेमी पढ़ लिया, मराठी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, बट आपको 10th के बाद सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में आएगी, तब आप लोग कैसे कंफर्ट होगे। तो इसीलिए कभी भी कुछ कदम रखने से पहले उसके बेसिक को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप पहले ही 3rd फ्लोर पे नहीं पहुंचते जब तक आप 1st फ्लोर से स्टार्ट नहीं करोगे। लिफ्ट भी होती है ना, लिफ्ट का भी, अगर आपने लिफ्ट का भी सहारा लिया है तो वो 1st फ्लोर से ही, ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट होकर आपको टॉप पे पहुंचाएगी। ऐसा नहीं कि आपने 3rd नंबर दबाया तो 3rd नंबर पे आ गए, 5वां बजाया 5वां पे आ गए, नहीं। कितना भी आप लोग कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीचे से ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे ही अपना बेसिक अगर क्लियर होगा ना तो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। एंड आजकल इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई जज नहीं कर सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बट इन द टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर रहे हो, आजकल लोग हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। कहीं पर भी आप जा रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे कर रहे हो, तो मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब आपको कोई जज करेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, बट अपने अपने लेवल पे सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो ठीक है, 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे देखो क्या चीज़ें, कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया हुआ है डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मौर्यन पीरियड के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, यहाँ पे देखो ना, ये सारी चीज़ें से दी गई हुई है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती थी, वहाँ पे रहती थी, मतलब एक वॉल पे कॉपर प्लेट होता था, उस पर डिज़ाइन करते ये लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फैमाइंस एक्सेट्रा ऑफ द रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिव टाइम्स। सो जो भी उनके इवेंट्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, क्लाइमेट कब का था, ऐसा तो नहीं है कि मतलब पहले ज़माने में क्लाइमेट का होता नहीं था, इस ज़माने में बारिश हो रही तो पहले ज़माने में नहीं होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी सूखा पड़ता था, पहले भी बाढ़ आता था, तो जो क्लाइमेट वेदर कंडीशन है वो वैसा ही है, ठीक है। नेचर आपके जनरेशन के हिसाब से नहीं चलेगा कि ये जनरेशन ऐसा है तो मैं भी चेंज हूँ। नेचर का खुद का रूल है, कभी भी भड़क सकता है, ठीक है। द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, देखो यहाँ पे
the ancient Indian the epics of Ramayana and Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors and also travelogues by foreign travelers are important source of history. ठीक है, तो ये जो रामायण की चीज़ें हैं, महाभारत है, हमारे जो होली बुक्स है, उनको हमें पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी सोर्सेज है हिस्ट्री के कि तब क्या हुआ था. अगर देखो आज रामायण और महाभारत हम नहीं पढ़ते तो हमको पता चलता क्या रामायण जी में राम कौन थे, फिर सीता जी कौन थी, हनुमान जी कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, फिर रावण जी कौन थे, मतलब सारी चीज़ें हमको पता चलती क्या नहीं पता चलती. तो ये सोर्सेज होते हैं हमारे नॉलेज के. समझ में आ रहा है? देखो, राइटिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ किंग एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोग्राफी. आपने देखा होगा हम बचपन में शिवाजी महाराज जी का वो चैनल आता था, स्टोरी आता था, मतलब एक प्रोग्राम आता था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, फिर उसके बाद जो मौर्य फिर वो जो मौर्य अम्पायर थे उनके जो राजा थे वो भी आता था. ठीक है, अकबर बिरबल की स्टोरी आती थी, जोधा अकबर आता था, उस जमाने में क्या होता था, कैसे होता था, लोग कैसे लड़ाई करते थे, मुगल कौन थे, मराठास कौन थे, उनकी भी एक बायोग्राफी बनती थी. छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बायोग्राफी बनी, वो हमको दर्शाया गया. ठीक है, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा वो तो सुना ही दिया, हमको समझ में आया, बट उसको टेलीविजन में लाया गया, ऑडियो विजुअल के थ्रू हमने देखा. ठीक है, वैसा ही ट्रेडिशन लोग, वैसा ही उनके जीजी अजीजा माता जी, फिर उनके जो फादर थे वो कैसे उनको ट्रीट करते थे, कैसे उन्होंने इतने कम एज में उन्होंने तलवारबाजी सीखी थी, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर टेलीविज़न में बताई जाती थी. अभी भी देखो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी रियल लाइफ स्टोरी पे वो बन जाता है, क्या उसको बोलते हैं, बायोग्राफी बन जाता है, फिल्म आ जाता है. समझ में आ रहा है? हर्षचरित रिटन इन द 7th CE बाय बनाभट्टा इज किंग हर्षा'स बायोग्राफी. इट पोर्ट्रेस अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम. सो वहाँ पे देखो तब के टाइम पे हमको बताते हैं, अगर आप जोधा अकबर की बात करो, ठीक है, या फिर और लोगों की बात करो, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करो, तो वहाँ पे वो लोग कल्चर क्या था, वो लोग कैसे खाते थे, वो लोग का लाइफ स्टाइल कैसा था, लोग जीते कैसे थे, रहते कैसे थे, सारी चीज़ें. आप देखो सीरियल्स वगैरह में या फिर किसी की सीरियल आता था छत्रपति शिवाजी महाराज का, आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो सीरियल आता था कलर्स टीवी पे. ठीक है, अभी भी देखो लॉकडाउन पे रामायण जी की कथा कितने मतलब कितने महीनों तक चली थी. ठीक है, तो वो बायोग्राफी क्रिएट किया गया है, उससे हमको कितना मतलब अच्छा फील हो रहा था जब हम रामायण और महाभारत देख रहे थे ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे. सब 8 बजे सबको छोड़ छाड़ के आ जाते थे कि चलो रामायण लगाओ, रामायण लगाओ. ठीक है, आई एम आई रॉन्ग और राइट, है ना, सही बोल रही हूँ ना? सब सो रहे हैं क्या? हेलो एवरीवन, हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड. आपने देखा होगा हिस्ट्री में एंशियन, मेडिवल, मॉडर्न, ये सारे पीरियड थे. ठीक है, तो मेडिवल पीरियड में क्या है? द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दैट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस. समझ में आया? तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको बताई गई हुई है कि एग्जामाइनिंग मतलब क्या होता है, चेक करना. आप देखो अगर हमें कुछ फूड
हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे किसी भी चीज़ को हो, उसको पहले चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें फूड अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कुछ मिलाया जुलाया तो नहीं है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो इसीलिए अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो क्या उसमें सारी चीज़ें बताई गई होती है कि हर एक स्कॉलर्स ने बताया हुआ है कि हमें किसी भी चीज़ों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसको समझना चाहिए, चेक करना चाहिए वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगर आपका पेपर भी पूरा फिनिश कर लिया है आपने और 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो आप अपने पेपर को फिर से एक बार रीचेक करो कि मैंने कोई फिल द ब्लैंक्स छूट तो नहीं गया है, वो पीछे वाला मेरा बताया नहीं, उसने बोला बाद में बताऊंगा, तो मैंने वो बोला ठीक है बाद में पूछ लूंगा, तो इसी के चक्कर में याद आया ये तो छूट गया था, तो पीछे वाले से फिर से पूछोगे, खुद का दिमाग लगाओगे। तो ऐसा एग्जामिन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्टडी हार्ड। तो स्टडी हार्ड आपका नाम क्या है? अरुण। ओके हाय अरुण, कैसे हो? मैम माय फ्रेंड अंशिका तेम्ब्रे लुक लाइक यू। ओके अच्छा, शी इज अ क्रश ऑफ माय क्लास, तो मतलब आपकी भी क्रश होगी फिर, है ना। चलो ठीक है, तो क्रश को क्रश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, मतलब वैसा क्रश नहीं बट थोड़ा साइड में रखते, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं बर्थडे में नहीं आ पाई ना, बाद में हम बर्थडे मना लेंगे, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है। इन द मेडिवल मेरा बर्थडे 7 मार्च को है, मार्च में जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे ना तब मेरे बर्थडे होंगे, ठीक है। In the medieval India, the Indian historians and the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. हाँ बहुत टाइम है अभी। Among the Barani holds an important place in Tariq-e-Firuz-Shahi, a book written by him. He has stated the purpose of the historiography. According to the him, historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. Barani further says that a historian should also take into consideration the impact of teaching. Okay? So, जो भी वहाँ पे teaching methods होते थे, उनके जो historians कौन होते थे, जिसने history लिखी गई हो, ठीक है, उनके तरीके से, बहुत सारे ऐसे scholars होते थे जो अपने अपने तरीके से history को लिखते थे, because देखो इतने सारे लोग हैं, सबका perspective, सबका नज़रिया अलग अलग होगा, है ना। अगर कोई teacher teach कर रहा है, ठीक है, तो किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, या फिर कोई ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट होगा, या फिर किसी को कुछ अलग ही चीज़ें होंगी, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर करती है। जस्ट अ सेकेंड गाइज।
ठीक है, तो यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू हिम ये तो हो गया। फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्पायर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इंपॉर्टेंट द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। सो वहाँ के टाइम पे दैट टाइम जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, आर्किटेक्चर होता था, उन्होंने जो भी डिज़ाइन किए होते थे, सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करते थे सबके आगे, ठीक है, एंड वो इंट्रोड्यूस कराते थे कि ये इस टाइम पे है, वो उस टाइम पे हुआ है, सारी चीज़ें। बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुज़ुक ए बाबरी। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रेवल बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम्स एंड फ्लोरा। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, किसी के जीवन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ें हासिल की है, कैसे की है, उनके ऑब्स्टेकल्स क्या आए, उनके उतार, उनके चढ़ाव, सारी चीज़ें, ठीक है, तो इन्होंने कब किस में ट्रैवल किया था, उस जमाने में वो कैसे थे, एवरीथिंग ही हैज़ रिटन, ओके, मतलब कोई तो लिखा था इनके बारे में, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है, धीरे पढ़ाती हूँ, सॉरी, हाँ सॉरी, चाय, ठीक है, हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, मैं धीरे पढ़ाऊंगी, ओके सॉरी। अबुल फजल्स अकबरनामा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, लाइक प्रॉपर चीजें, जो भी चीजें हो वो बहुत ही कैसे हो कि लाइक रियल हो, ऑथेंटिक हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो रियल ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, बेस्ड ऑन रियलिटी चीजों को हम बोलते हैं ऑथेंटिक। स्क्रूनिटी, यहां पर देखो देखो यहां पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्क्रूनिटी। स्क्रूनिटी का मतलब क्या होता है, चेक करना, स्क्रूटिनाइज करना। इज लुक्ड अपॉन एज अ डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। सो बायस का मतलब क्या होता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अच्छे से स्क्रूटिनाइज होना चाहिए, इट मीन्स चेक होना चाहिए। हाँ ना गोरी से, फ्यूज तो बाद में मिलेगा। इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिवल टाइम्स। सो देखो जो बखार है ये क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, एंड ये डॉक्यूमेंट मेडिवल टाइम के पीरियड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था, ठीक है। मुझे भी ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए ना थोड़ा सा। उसके ऊपर पढ़ो ना, चाय पी लो। इट कंटेन्स इओलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स। क्या बड़ा कम पिज़्ज़ा आइसक्रीम बोल दीजिए ना। इट्स ओके। बैटल्स लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है, यहाँ पे देखो जो उनके स्टोरीज थे, अगर मैं आपको बार बार बोलूँ कि फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो क्यों, बिकॉज हम उनके बारे में ही जानते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन देम कि वो लोग ने कैसी सारी चीज़ें हिस्ट्री के पीरियड में की है, लाइक उन्होंने कैसे चीज़ें सारे अचीवमेंट किए हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन देयर एवरीथिंग। मैम हमारे प्रैक्टिस पेपर चालू हैं।
यूसुफ तुमको सारी चीजें पता चल जाती है, मैंने तो ऐसा बोला नहीं। वाओ, मतलब स्मार्ट स्टूडेंट। हाँ, टीचर्स के भावनाओं को समझते हैं। मराठी बाखर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सभासद बाखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद। ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज इट इज एन इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सो देखो वहाँ पे शिवाजी छत्रपति महाराज के टाइम पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी उनके टाइम पे इनकी वजह से, तो देखो वहाँ पे बहुत सारे, देखो औरंगजेब कैसे थे, फिर मुगल कौन था, मराठा कौन था, सारी चीज़ें अपोजिशंस होती थी, इसीलिए उनके बीच में लड़ाई होती थी। राजा राम मोहन रॉय कौन थे, फिर छत्रपति राजाराम महाराज कौन थे, सारे उनसे ही कनेक्टेड, रिलेटिव सारे थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। भाव साहेब बांची बाखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। अनदर बाखर इन टाइटल पानीपतची बाखर इज आल्सो अबाउट द सेम इवेंट। होलकरंची कायपियत प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। सो देखो आपने सेवेंथ या एट्थ में होलकर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने कैसे रूल किया था, कैसे चीज़ों को बचाया हुआ था, कैसे फाइट किए थे, सारी चीज़ें उन्होंने बताया था, ठीक है, मराठा रूल करते थे। सो बाखर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज। तो उनके जो चीज़ें थी वो अलग अलग स्टोरीज में कनेक्टेड थी, उनका डायनेस्टिक क्या था, उनके फोर्ट कैसे थे, उन्होंने क्या लड़ाई की थी, राजा महाराजा उस टाइम पे कैसे काम करते थे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रेवेंस बेस्ड ऑन मैथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। तो उस दौरान क्या होता था, राजा अपने किंगडम में जो भी सेनापति होते थे या फिर उनके महारानी होते थे या फिर जो उनके फ्रीडम, जो उनके साथ उनके सेना लोग होते थे, कैसे ट्रीट करते थे, कैसे उनकी सारी चीज़ें होती थी। देखो आपने कुछ अगर ये पानीपत के ऊपर एक वो भी आया था, मूवी भी आई थी, अगर वो आपने देखा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा पद्मावत मूवी, उसमें कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था वो भी देखा होगा आपने। तो ऐसे किंग्स लोग के ऊपर ऐसे बायोग्राफीज क्या होती है, बनती रहती है। तो उसमें कभी कभी रियलिटी दिखाई जाती है कि मतलब ऐसे ऐसे उस दौरान उस टाइम पर ऐसा हुआ था, ठीक है। हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अभी हमने देखा एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। सो 20th सेंचुरी, आज हम कौन से सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी, तो आज से 100 साल पहले, तो जो भी देखो रिसर्च थे, जो भी एक्सप्लोरेशन थे, वो ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के अंडर थे, बिकॉज 1857 से ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया था। सारे लोग, चाहे डच हो, फ्रेंच के हो, ब्रिटिश, इंग्लैंड के हो, सारे हम पे रूल करने लगे थे, ठीक है, तो हम उनके अंडर थे। अ नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सकवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कुनिंगन, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही चोज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पज। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड 3rd millennium BCE और इवन अर्लियर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी सारी रिसर्च की थी एंड उसके दौरान वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती थी। हेलो रोहन,
देखो ये अलेक्जेंडर कुनिंगन एंड जॉन मार्शल, यहाँ की दोनों ची दोनों यहाँ पे ये भी करते थे, ठीक है। Many British officials in India wrote Indian history. Their writing displays strong influence of the colonial policies of the British. So बहुत सारे जो देखो officials, British officials थे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या था history, Indian history लिखी थी their in own style में, उनकी जो भी सारी चीज़ें समझती थी they have written that, ठीक है। And जो भी policies होती थी British के time पे, सारी चीज़ें वो ऐसा करते थे। Three volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. So, यहाँ पे देखो, the British India थी, जो history of British India written by James Mill. James Mill ने लिखी थी, ये आपको fill in the blanks में आ सकता है, ठीक है? So, this was the first book on Indian history and ये first book थी. अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डैश वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सो वॉट इज दैट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड रिटन बाय होम जेम्स मिल। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रीजसाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। The history of India written by Mountstuart Elphinstone, governor of Bombay, now Mumbai. तो पहले जो आज मुंबई है उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है। आज भी कुछ कुछ लोग बॉम्बे बोलते हैं, बट नाउ बॉम्बे से वो मुंबई हो चुका है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे places, अभी देखो अलाहाबाद, अलाहाबाद को अभी वो चेंज होके प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्लेसेस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। सो पहले मुंबई क्या होता था, बॉम्बे, बट नाउ इट चेंज इनटू मुंबई, ओके। पब्लिश्ड इन 1841। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। सो देखो, जो मराठा एम्पायर का जो पर्टिकुलर पीरियड था, जो टाइम था, वो हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आई डोंट नो अबाउट साइंस लेक्चर। हाँ, साइंस लेक्चर है ना, आज सर ने नोटिफिकेशन में दिया है ना, आप प्लीज देख लीजिए। रोहन, The period of Maratha Empire is very important in the Indian history. Grand Dove's name stands out among the British officers who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled History of Marathas. This book is published in 3 volumes, ठीक है? And Grand Dove's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Similarly, tendencies witnessed in Colonel Today's writing about Rajasthan history, the 2 volumes written by William. तो ये थे जिसमें लिखा था सारी चीज़ें कि उन्होंने कैसे क्या लिखी हुई थी, किस बेसिस पे लिखी हुई थी, इंडियन हिस्ट्री में क्या सारी चीज़ें हुई थी, एवरीथिंग। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है मे बी। बट इसको आज हमें खत्म करना है।
विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. नीलकंठ जनार्दन कीर्ताने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर टू इंडियन हिस्टोरियन हु टूक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड डव्स राइटिंग. सो देखो यहाँ पे देखिए आप लोग जो भी उनके लिमिट, अभी देखो कोई लिख भी रहा है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते होंगे, या फिर वो किसी के खिलाफ ना बोल पाए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी तो उसके लिए उनका रोकना टोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था. अभी देखो हम लोग सेकेंड चीज़ क्या पढ़ने वाले, इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. जैसे हमने देखा था हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को लिखते थे. ठीक है. एंड अभी हम देखेंगे कि उनके अलग अलग आइडियोलॉजिकल क्या थे. यहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं. ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन ज्योग्राफी मैप प्लॉटिंग. कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज. अभी यहाँ पे देखो जो पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो ज़्यादा करके कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने लिखी थी. बट द प्रीजसाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्विल्ड इंडियन कल्चर. देयर राइटिंग वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. The five volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 are distinct examples of colonial historiography. अभी यहाँ पे देखो, अभी जो ब्रिटिशर्स इंडियन के बारे में लिखेंगे या फिर इंडियन खुद लिखेंगे इंडिया के बारे में तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा. ठीक है, तो इसीलिए इंडियन भी अपने जो भी उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, वो सारी चीज़ें अपने तरीके से बता रहे हैं. ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमराइजेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. दिस स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. समझ में आ रहा है? सो जो भी यहाँ पे जो ईस्ट के, जो ईस्टर्न कंट्रीज के जो भी हिस्टोग्राफी लोग होते थे, जो हिस्टोरियंस होते थे जिन्हें लिखी है, उसको बोलते ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. समझ में आ रहा है? उनके जो स्कॉलर्स होते थे, द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस. सो ओरिएंटलिस्ट क्या करते थे, कुछ कुछ जो संस्कृत की चीज़ें होती थी एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस होती थी उसको स्टडी करते थे. दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. देयर स्टडीज इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन, मुझे कुछ भूख भूख नहीं लगी हुई, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे जो खाना रहेगा मैं अपने घर पे जाकर खा लूँगी. ठीक है यूसुफ, प्लीज़ पे अटेंशन हियर. बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा करके वैदिक ट्रेडिशन, जो भी वैदिक के रीति रिवाज कल्चर्स वगैरह होते थे उस पर फोकस करते थे, उनके लिटरेचर्स वगैरह एंड देयर स्टडीज रिलेटेड फॉर्मुलेटिंग. फॉर्मुलेटिंग इट मीन्स कि एक बनाव चीज़ें हो जाती थी. ठीक है, दैट कुड बी द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. तो देखो 1784 में क्या हो गया, जो सर विलियम जोन्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एसाइटिक सोसाइटी फाउंड किया इन कोलकाता. तो वो सोसाइटी में इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री. सो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें होती थी, जो भी होता. ओके स्टूडेंट, 5 मिनट्स, ठीक है, हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, देन अगेन विल स्टार्ट एंड कम्प्लीट दिस चैप्टर.
सो गाइस सॉरी वो 5 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने. ठीक है हम स्टार्ट करते हैं. ओके नहीं सिर्फ चाय पिया मैंने. आप लोग ने नाश्ता नहीं किया तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ, है ना. स्टूडेंट्स ने नाश्ता नहीं किया और कुछ नहीं किया, मेरा लेक्चर सुन रहे इतने अच्छे से डेडिकेशन से, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय पिया थोड़ा सा. हाय प्रिंसेस, हाय पूर्वा, राइट पूर्वा ना. थैंक यू रोहन. चलो अकेले अकेले खाना खा ले तो कोई इनवाइट भी नहीं करता. ओ माय गॉड सॉरी सॉरी. अर्चना क्यों हंस रही हो? हो जाता है ना कभी कभी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. चलो ठीक है लेट्स स्टार्ट. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hittopadesh in German language. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. अभी यहाँ पे देखो इन्होंने एंशियंट के टाइम पे जो भी एंशियंट में चीज़ें होती थी उस पर ज़्यादा फोकस की थी, एंड जो ऋग वेद थे उसको भी 6 वॉल्यूम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया था. देखो यहाँ पे ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग वेदा विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. ही ट्रांसलेटेड ऋग वेदा इन जर्मन. लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग हैज थ्रोन लाइट ऑन इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स. जो भी उन्होंने चीज़ें की थी ओरिएंटलिस्ट ले, ठीक है, उसके ऊपर भी उनका क्या हुआ, एक चीज़ें हुई जिसपे इम्पैक्ट, दे हैव शोन इंटरेस्ट, ठीक है, उस चीज़ पे कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे शुड गेट मोटिवेटेड. हाँ रोहन सही पहचाना है. मूवमेंट किया था ना आपने रोहन, तुमने मूवमेंट किया था ना यूसुफ के साथ, अर्श के साथ. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, अभी प्लीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी आज मेरा लास्ट दिन है आप लोग के साथ, ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन हियर, ठीक है. आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल, है ना, होप आप भी मेरे को मिस करोगे. The writing of Indian historian who were trained in the British education system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of Indian self-esteem of Indian readers. So, उन्होंने Indian tradition के बारे में या जो भी अपने point of view दिए थे जिसे historiography के through, ठीक है, उनका जो point of view था incline हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था and उनके वजह से बहुत सारे awareness create हो रहे थे towards Indian traditions. हाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, चिट चैट करेंगे.
Their writing are known as naturalistic historiography. Naturalistic writing in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. So, देखो यहाँ पे जो विष्णु चिपलुनकर थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था. इट मीन्स अगेंस्ट थे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स क्यों इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो कहीं ना कहीं से गलत तरीके से भी लिख सकते हैं. तो उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज किया था. टेंशन ना लो, हमारे मेरे चैनल पे भी मिल लेना, जो हमारा इंग्लिश का चैनल है उस पर आप लोग मिल सकते हो. कभी मैं लाइव आऊँगी, पढ़ाऊँगी, आपके जो टेंसेस के लेक्चर्स होंगे है ना उस पर मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है. रोहन ने कमेंट भी किया था उस पर, आई नो एवरीथिंग. There are at times a blame for ignoring the critical analysis of the historical truth. Mahadev Govind Ranade, Ramkrishna Gopal Bhandarkar, Vinayakar Damodar Savarkar, Rajendra Lal Mishra, Ramesh Chandra Mojumdar, Kashi Prasad Jaiswal, Radha Kumud Mukherjee, Bhagwan Lal Indraji, Vasudev Vishnu, है ना? यहाँ पे देखो सारे भगवान के नाम आ गए हैं यहाँ पे, विष्णु जी और फिर लाल जी, फिर उसके बाद वासुदेव, भगवान, इंद्र जी, मतलब सारे. एड्यू कोर्स चैनल का नाम है एड्यू कोर्स, रोहन से पूछ लेना, ठीक है. आपको इंग्लिश में कुछ भी डाउट होगा तो उस पर आप ये कर सकते हो, ठीक है. किया है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है. तो अभी देखो यहाँ पे अभी हमारे चैनल की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे पढ़ाया पे अटेंशन हियर, बाद में डिस्कस कर लेना वो, ठीक है. So the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. So ये कौन है scholars के नाम है जिन्होंने historians जो history वगैरह लिखी हुई है. Rajwade is a well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was one of the firm opinion that we should write our own history. So यहाँ पे देखो जो इन्होंने क्या क्या बहुत अच्छे राइटर थे उन्होंने की बहुत अच्छी कुछ चीज़ें किताबें लिखी हुई है. एंड उनका सिर्फ एक ही ये था कि हमको अपनी तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए. देखो यहाँ पे फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री, खुद की इतिहास लिखे हम. He compiled and edited 22 volumes of Marathiacha Itihasachik Sadhane. ठीक है. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He started history is the all-inclusive image of the past societies. It does not include only the stories of the political images, conspiracies and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary sources. अभी यहाँ पे देखो, history लिखने का मतलब यही नहीं कि आप कुछ भी लिखो. कल्चरल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज, सोशल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, वॉट एवर इट इज, बट वॉट एवर यू आर राइटिंग अबाउट हिस्ट्री इट शुड बी वेरी ऑथेंटिक. समझ में आ रहा है कि आप जो भी पढ़ते हो, लिखते हो या किसी के बारे में भी लिखते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो गया किसी भी चीज के बारे में, या फिर अगर आप अपने रियल लाइफ की ही बात करो, तो कभी भी हमें झूठी चीजों का या फिर झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए. जो सच है हमें वही पे उतरना चाहिए. समझ में आ रहा है. एक कहावत है, ठीक है. क्या कहावत है वो, देखो कुछ तो कहावत थी, मैं उसको भूल गई हूं, बाद में बताऊंगी, ठीक है. ही इंसिस्टेड
दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन क्या पूछ रहे हो आप लोग, क्या डाउट है? मैम कॉन्स्पिरेसी मीनिंग मैम कॉन्स्पिरेसी मीनिंग हाँ ठीक है. देखो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे बैड प्लानिंग, ठीक है, अगर किसी को किसी के खिलाफ कुछ करना हो एंड वो षड्यंत्र रच रहा है. कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, समझ में आया अनाहित? देखो द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेन इंडियन पीपल, मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. देखो यहाँ पे हम सबको मालूम है 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था. ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई थी लड़ाई कि इंडिपेंडेंस के लिए हमको लड़ना है. ठीक है, तो उन्होंने उसकी किताब भी लिखी हुई है, रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी द प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू. एंड यहाँ से ये शुरुआत हुई थी कि हम जो भी हिस्ट्री में लिख रहे हैं वो रीजनल हो, अच्छा हो, हमारे कल्चर पे, हमारा एग्जैक्टली हुआ क्या है उसके ऊपर डिपेंड हो. सॉरी स्टूडेंट्स, देखो हम कहाँ पे थे. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज. एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वर ड्रॉन टू द ज्योग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन्स. तो इसके वजह से अभी देखो कोई कुछ चीजें करता है तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं एंड हम भी वो चीज़ें करने लगते हैं. तो वैसे ही जो हिस्टोग्राफीज में जो हिस्टोरियंस वगैरह थे उन्होंने जब अच्छी अच्छी किताबें लिखने लगी अपने इंडियन के ट्रेडिशंस पे, अपने जो भी इंडियन कल्चर पे, तो अलग अलग लोग भी उनसे इंस्पायर होने लगे, अलग अलग कंडीशंस पे वो लोग भी क्या करने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगे. हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट इंडिपेंडेंस? इट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो पीरियड है उसको हम, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी वो हम देखते हैं. नाउ अलॉन्ग विद द राइटिंग ऑफ द डायनेस्टीज हिस्ट्री द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बींग रिटन. स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस फील द नीड ऑफ राइटिंग. यहाँ पे देखो
Era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools. First, Marxist history. हमने देखो Marxist history पढ़ा हुआ था, है ना? फिर उसके बाद subaltern history and feminist history. ये आपको तीनों आपको explain the following concept में आ सकता है. ये important है, ठीक है? तीनों important है, but ये subaltern history वो ज़्यादा important है. तो please इसको पढ़ लेना, 2 marks के लिए आता है exam में. देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ये 2 marks के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है. 2 marks के लिए आपने 2 से 4 point लिखा, आपको इजीली यू विल गेट 2 marks. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. हिस्टोरियन का मतलब क्या हो गया? जो हिस्ट्री लिखता है, ठीक है, हिस्टोग्राफी क्रिएट करता है. सो वही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का नाम है. तो वो क्या प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सारी चीज़ें कैसी चल रही है, वो ये उस पर ध्यान देते थे, ठीक है. अकॉर्डिंगली टू द एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. सो ये जो सारी थी वो जो बेसिक थी. अगर देखो इंडस्ट्रियल लोग क्या करते, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें हैं. वो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो जाके बिकेगा, सेल होगा, ठीक है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम. अमोंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियन हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्कॉलर्स लाइक दामोदर, धर्मानंद कर कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, राम शरण, ये सब, ये जो सारे लोग थे उन्होंने क्या किया था, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से इंस्पायर हो गए थे एंड इन्होंने इनका सपोर्ट किया था. इन्होंने जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें लगाई हुई है उसके बेसिस पे अपना काम करते थे. हे सगड़े स्कॉलर्स मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी स्कॉलर से इंस्पायर होते थे. मतलब मैं मराठी में नहीं पढ़ा पाऊंगी. देखो यहाँ पे कॉमरेड दांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी. प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. अभी देखो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट टू स्लेवरी, ठीक है, ये जो बुक लिखी हुई थी इन्होंने, कॉमरेड दांगे ने लिखी हुई थी, ठीक है, मेंबर ऑफ द ये बाय हिम रिप्रेजेंट, उन्होंने एक ऐसा रिप्रेजेंट किया था मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को. नहीं एक्चुअली मुझे सही में मराठी नहीं आती. अगर मैं मराठी आती ना, पक्का जो मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी मराठी टीच करती एट द सेम टाइम. बट जैसा कि स्टूडेंट मैंने बोला कि मुझे मराठी नहीं आती, तो अगर मैं आप लोग की लैंग्वेज को कुछ अलग तरीके से बोलूँगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. अगर मैंने कुछ गलत शब्द जैसे कुछ वर्ड डिफरेंट बोल दिया, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना. सबकी एक लैंग्वेज होती है, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट. बट मैं ट्राई करूँगी, ठीक है. नहीं नहीं बट मैंने तुम्हारी बात मानी ना यूसुफ, इसीलिए मैंने बोला, मैंने पढ़ाया, ठीक है. टीचर्स बच्चों की, बच्चे टीचर्स की बात मान सकते हैं, तो समवेयर टीचर्स को भी बात माननी चाहिए, है ना. द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. सीड्स, अभी देखो हम जब भी कुछ बोते हैं या उगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके सीड्स मैटर करते हैं. तो वो सीड्स क्या हो गया, बेसिक चीज़ें हो गई. अगर हमने कुछ प्लांट ग्रो किया है तो हमें सबसे पहले उसमें सीड्स डालने पड़ेंगे, तो वो सीड्स ही आगे चल के धीरे धीरे वो ग्रोन अप होगा. तो इसीलिए जो सबल्टन हिस्ट्री थी वो सीड्स था मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का.
द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोग्राफी एंटोनियो ग्रामसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. इनफैक्ट सबल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक. बॉटम समझ में एकदम गहराइयों तक. हम बोलते हैं ना कि हम आपको बहुत चाहते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, है ना. तो वैसे ही बॉटम मोस्ट एकदम शुरुआत से बेसिक से पूरे डीप में. देखो यहाँ पे फोकलोर हैज बीन कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्रीज. रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबल्टन हिस्ट्री एज एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी. हाउएवर वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर द ऑनेस ऑफ सबल्टन आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. सो देखो जो भी सबल्टन हिस्ट्री में लिखा हुआ था वो कहीं ना कहीं सिमिलर थॉट्स थे उनके, किसके, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एंड महात्मा ज्योतिराव फुले के. ठीक है. देखो महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रा कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी. ही ड्र्यू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन शुद्रास एंड अति शूजा डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन. देखो पहले क्या होता था कि जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में डिफ्रेंसिएशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, लाइक भेदभाव होता था. ठीक है. तो इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए ये सारे हिस्टोरियंस, ये सारे जो भी स्कॉलर्स थे वो इनिशिएटिव लेके आए कि नहीं हमें ये अपर लोअर कास्ट में इक्वालिटी करना है, भेदभाव नहीं करना है. ठीक है. सो अभी भी कहीं ना कहीं होता है, आप गांव वगैरह में जाओ जो ब्राह्मिन्स होते हैं, लाइक आई एम ब्राह्मिन ओनली बट आई हैव सीन कि मतलब थोड़े बहुत भेदभाव होते हैं जो लो कास्ट के लोग होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, थोड़े बहुत तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं है. बट अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. लोग आपस में भले भेदभाव करें बट अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखें या फिर कुछ चीज़ें देखें तो अभी भेदभाव उतना नहीं रह चुका है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है. ठीक है. मिस को कौन कौन एफआर देखना चाहता है, मतलब एफआर क्या होता है. अच्छा मैं सच में बोलू ना, मेरे को ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना मेरे को सच में नहीं समझ में आता है, मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता है. हैक्स विद मी क्या ही है. मिस को कौन कौन फिर देखना चाहता है. आई नो यू. हाँ एक्चुअली मुझे शॉर्ट फॉर्म मतलब ऐसे ना मैं ज़्यादा पहले, अभी मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बट पहले ये चैटिंग वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह इंस्टा वगैरह ये मेरे से नहीं हो पाता था. मतलब अगर चैटिंग भी करो कोई कोई मुझे समय पहली बार आई वॉज यूजिंग मतलब व्हाट्सएप तो तभी भी नहीं बट अभी ये रिसेंटली एक साल पहले मेरी फ्रेंड ने पूछा KKRH. ठीक है. सो KKRH का मतलब क्या हो गया वो उसने मुझे पूछा. ठीक है. मैंने बोला, मैं दो मिनट तक कंफ्यूज थी कि KKRH क्या है बट देन शी टोल्ड मी कि क्या कर रही हो. मैंने बोला हे भगवान तो ये अच्छे से पूछो ना, दो मिनट तक मैं कंफ्यूज हो गई KKRH क्या है. तो मतलब ये सारी चीज़ें होती है. यूसुफ का
पढ़ाई को छोड़ के हर जगह ध्यान रहता है, बाहर झगड़ा हो रहा है, बाहर लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं हमारा तो ध्यान नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ। आओ तुम भी फिर मूवमेंट करते हैं। डोंट वरी, मैं एनआई को छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं पे भी, ठीक है? अगर मेरा जॉब भी रहा तो भी मैं सर को बोलूंगी कि ठीक है, आई विल जॉइन योर लेक्चर। बट अभी आप लोग 10th में हो, 11th में चले जाओगे तो कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, तो साइंस तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। हैक्स विथ मी, आप प्लीज, मैं यहाँ पे लाइव लेक्चर ले रही हूँ तो घर की बातें घर में करना, ठीक है? यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नाउ यू जस्ट जा सकती हो, ठीक है? वो हैक्स विद मी मेरी बहन है, ठीक है? इसलिए वो नाटक कर रही है। आप प्लीज जाइए, ठीक है? हम घर आके बात करेंगे। The term Shudra and Ati Shudra indicates the bottom most rank in the caste system. So, देखो यहाँ पे अभी कोई बात नहीं करेगा, पहले ही बोल दूँ मैं गुस्सा हो जाऊंगी फिर, देख लेना आप लोग, ठीक है? हाँ सच में मैं, हाँ वो है, ऐसा है। ठीक है, प्लीज यहाँ पे देखिए। तो देखो यहाँ पे जो शूद्रा अति शूद्रा, इट मीन्स कि जो एकदम अप लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उसको हम शूद्र लोग बोलते हैं, समझ में आया? तो ये बॉटम मोस्ट ये करती कि बेसिक चीजें कहाँ से है। द लो रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अभी देखो आज हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई अपर कास्ट का है, कोई मिडिल कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, बट हम साथ में रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है भारत में सिर्फ अपर कास्ट लोगों को सब कुछ दिया जाएगा या फिर भारत में लोअर कास्ट लोगों को सब कुछ दिया जाएगा। सारी चीजें इक्वली बटनी चाहिए, समझ में आया? इक्वालिटी होनी चाहिए सारी चीजों में। तो इसीलिए, बट तब के टाइम पे नहीं थी, इसलिए लोगों ने अपना इनिशिएटिव लिया। एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग द इक्वल राइट्स, और जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको रोकने के लिए ये लोग सामने आए। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and analytic historiography. Dr. Baba Saheb Ambedkar focusing on this fact. अभी आप लोग देख लो, जितने भी दलित पीपल हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो आज बाबा साहेब अंबेडकर जी को पूजते हैं, वर्शिप, मतलब वो उनको अपना भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज दिस वॉज द पर्सन हु टुक इनिशिएटिव कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसको खत्म किया जाए, समझ में आ रहा है? एंड दिस वॉज द पर्सन हु हैज रिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो मेरे से छोटी है, 4 साल छोटी है, एंड वो शी इज इन 12th स्टैंडर्ड। आपके नमस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? नाउ देखो फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम
टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हमने देखो जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तभी भी हमने देखा था कि लास्ट में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आया था. क्यों? बिकॉज हर टाइम मेल स्कॉलर्स अपने अपने तरीके से बात कर रहे थे, बट फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आने के बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी क्या एक पर्सपेक्टिव से देखा गया, उनके नजरिए से भी लोग हिस्टोग्राफी एंड हिस्ट्री की बात करने लगे. द रोल एंड अचीवमेंट्स, देखो यहां पे द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड. समटाइम्स नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना. तो पहले अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो जो भी वुमेन्स के रोल होते थे उनको इतने इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, बस घर में बैठो अपना काम करो. बट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस और भी चीज़ें जब लोग एजुकेटेड होने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, तब वुमेन्स को भी अपने अपने राइट्स मिलने लगे. एंड नाउ यू कैन सी कि वुमेन्स जहाँ पे मैंस है वहाँ पे वुमेन्स है. एंड आजकल तो मैन से भी बढ़कर वुमेन जा रही है, मतलब इन द फील्ड्स ऑफ एवरीथिंग. देखो यहां पे हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियन. ऑल्सो इट वॉज इंपॉर्टेंट to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. तो यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें होने लगी कि जैसे जैसे मेंस आगे बढ़ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए हैं, तो वैसे ही वुमेन्स के भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे. वुमेन्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, उनके भी कुछ पर्स्पेक्टिव होंगे, उनके लिए भी कुछ करना होगा. तब हिस्टोग्राफी में हिस्टोरियंस से ये भी चीज़ें देखने लगी, तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आई. Among women authors writing about women in the 19th century CE, Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि जो मेल लोग होते थे वुमेन पे कितने मतलब ऐसे अत्याचार वगैरह करते थे, अटैक करते थे कोई दहेज के लिए या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ के लिए. तो ताराबाई शिंदे ने इनिशिएटिव लिया एंड शी वॉज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना इट मीन्स कि जो भी स्त्री पुरुष हैं, महिलाएं और जो भी पुरुष लोग हैं, ठीक है, उनमें तुलना मतलब तुलना की एंड दे शुड गेट ट्रीट इक्वली. पंद्रह मिनट और क्या हुआ? Published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published in title The High Caste Hindu Woman. समझ में आ रहा है? पंडिता रामाबाई जी ने भी अपना योगदान दिखाया. द हाई कास्ट हिंदू वुमेन थी. द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक. अभी देखो जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी था, जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या सारी चीज़ें को लुकअप होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ये सारी चीज़ों पर था. कौन कौन से? Employment of women, treatment meted out of them at their workplace, their right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book, Crossing Threshold, Feminist Essay in Social History is one of the importance. अभी देखो आपने बहुत जगह देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट मेल थे, प्राइम मिनिस्टर मेल थे, प्रेसिडेंट मेल थे, बट बाद में क्या हुआ, द फर्स्ट इंडियन वूमेन हमारी जो मिनिस्टर बनी थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी. सेकंड कौन है? सेकंड कौन बनी थी?
फिर जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रतिभा भाई पाटिल थी, अभी कौन है? कैन यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट? जो पूछूंगी वो नहीं बताओगे, डर गई, ये हो गई, वो हो गई, वो ही बताओगे बस। हाँ वेरी गुड, सर्च करके बताया क्या? अभी देखो यहाँ पे, कंटेंस ऐसे ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रामाबाई एंड डॉक्टर रुखमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? द अलॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित। सो जो भी दलित पीपल थे उनके व्यू पॉइंट भी आने लगे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। देन वुमेन इन महाराष्ट्र डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क्स इन नोटवर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्ट इन नोमिस इंक्लूड्स हर एसे ऑन द ऑटोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। सो ये सारी चीजें वो इंक्लूड करती थी एंड ऑटोबायोग्राफी उन्होंने क्रिएट की थी दलित वुमेन के ऊपर। There have been a number of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology. Among them, historians like Sir Jarunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyastakar G.S. Sardesi and Trayambak Shankar Shejwalkar are noteworthy. So, ye log ka bahut zyada yogdan tha and they were very important. देखो यहाँ पे इन द रीसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली द हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो हमने एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ा, मेडिवल पीरियड के बारे में, मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या क्या लोगों ने किया था एंड क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. समझ में आया? तो ये सारी चीजें थी हमारे हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में। तो आज ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है हमारा हिस्ट्री का। अगर मुझे याद होगा तो मैंने कुछ 18 या 19 तारीख दिसंबर से मैंने आप लोग के पास आई थी, लाइक आई हैव बीन स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 19th of 20th of December, ठीक है? एंड आज जाके हमारा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सारा पोर्शन कंप्लीट होता है विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ बोर्ड एग्जाम में घबराइएगा नहीं, 40 मार्क्स का पेपर है, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिला के 80 मार्क्स, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना, जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। एंड आपके जो प्रीलिम्स होंगे कॉलेजेस में क्लासेस में उस पर भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी ध्यान देना, ठीक है? सो गाइस प्लीज अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना घूमना, ठीक है? नो नीड टू वरी, बोर्ड्स है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड अगर मेरा सेशन फिर से अगर हुआ आपके बोर्ड एग्जाम के पहले तो मैं लाइव आ जाऊंगी या फिर सर को बोल दूंगी कि 10th वालों से बात करने दो या फिर जो भी, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी आपको डाउट होगा प्लीज़ कमेंट में बताना, ओके?
चाहे इंग्लिश के रिगार्डिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी के भी रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन मैसेज मी. ओके मैम, आपकी याद आएगी, हमें भी आपकी याद आएगी. तो गाइस, कुछ पूछना है आपको मैंने जाने से पहले, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट. एग्जाम हॉल में मैं नहीं आऊंगी चॉकलेट देने, कुछ भी. रिवीजन मैम, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मतलब पूरा मैंने एक महीने में आपका रिवीजन ऑलरेडी करा दिया है, बट फिर भी आपको कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है. एंड आपके देखो जो भी प्रीलिम्स में चाहे वो क्लासेस के हो, ठीक है, चाहे वो क्लासेस के हो, चाहे स्कूल के हो, या फिर जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग प्लीज़ इन सबको रेफर करना, ठीक है, सबको रेफर करना है. एंड आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसको प्लीज पॉइंट वाइज लिखना. एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है. पॉइंट वाइज इट शुड बी इन पॉइंट. समझ में आया? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 4 पॉइंट लिखना, ठीक है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो 3 मार्क्स में आप 6 से 7 पॉइंट लिखना, भर भर के लिखना, ठीक है. भर भर के मतलब कुछ भी नहीं लिख के आना है, गाना वाना मत लिख के आ जाना, ठीक है, कि मैम ने बोला तो भर भर के लिखो. तो भर भर के लिखना मतलब आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए. और लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन ही लास्ट में लिख देना. देयर फॉर, हाउ एवर, ये ऐसे करके पहले तो ये लिखना, फिर वो क्वेश्चन ही उतार देना, ठीक है. आप लोग यहां पे देखिए, 3 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स. अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो 4 मार्क्स का लास्ट जो रहता है, 8 पॉइंट लिख के आ जाओ. समझ में आया? 8 पॉइंट लिख के आ जाओ. और आपके जो भी हिस्ट्री में चाहे पॉलिटिकल साइंस में जो ऐसे मैप कंप्लीट द फॉलोइंग जो दिए हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है. एंड ये 2 मार्क्स ना आप लोग ऐसे इजिली यू कैन डील विद दिस 2 मार्क्स. अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा होगा तो उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कौन से ईयर में हेल्ड हुई है, ठीक है. तो आपको 4 मार्क्स ना इजीली मिल सकते हैं. एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का ऐसे आपको 4 कॉलम्स दिए होंगे, या स्पोर्ट्स, कौन कौन के इंडोर एंड आउटडोर गेम्स है, उसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो ये सारी चीजें प्लीज अच्छे से करके जाना. ओके मैम, व्हाट इज आर्चिव? देखो यहाँ पे आर्चिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्चिव, ठीक है. हाँ हाँ, इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप. अगर आपको कुछ भी पूछा गया तो आप प्लीज सबसे पहले ना, मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, पेपर प्रेजेंटेशन. पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो,
समझ में आया? कुछ भी चीज लिखने से पहले अच्छे से उसको, अगर आपको व्हाट इज एंटरटेनमेंट, राइट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री. तो आप लोग पहले एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स क्या है वो बता दो, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फिर फॉलोइंग आर दीज पॉइंट्स आर एज फॉलोज, फिर आपके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो. समझ में आ रहा है? तो उससे आपका जो इम्प्रेशन होगा आपके पेपर का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. मैंने बोला ना व्हाट इज आर्चिव, आर्चिव का मतलब जो कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके रिकॉर्ड्स होते हैं उसको आर्चिव बोलते हैं. ठीक है? हाँ हाँ मैं एग्जाम के पहले लाइव आऊंगी. ठीक है? आपको सारी चीजें इन डिटेल तरीके से बता दूंगी. सो प्लीज अपना लव और सपोर्ट देना. ठीक है रोहन और सब लोग? पॉलिटिकल साइंस आपको शायद कुछ 26 वो हो गया, कुछ 15 या 16 मार्क्स का आता शायद पॉलिटिकल साइंस. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट आपके सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए. विल गोना मिस यू. कुछ भी आपका डाउट होगा प्लीज मुझसे पूछ लेना. ठीक है? एग्जाम के पहले मैं लाइव आ जाऊंगी. डोंट वरी. बाय बाय, टेक केयर. जय बजरंगबली.